मुलुंड से हूँ, मुलुंड से जाती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन का अभंग सुन के। ऐसा लगा कि मेरा दिल में मीन्स कभी, मैं तो बापू को तो ऐसा तो मैं उनका चरण में ही हूँ, लेकिन वो भी मुझे अपना चरण में रखे हैं। लेकिन उस दिन से तो बात तो मुझे मेरे दिल में इतना ये हो गया कि मैं कुछ कह ही नहीं सकती हूँ मैं उसके बारे में। लेकिन अभंग तो इतना इतना अच्छा हुआ है कि आपको तो पता है कि इतना धूप गिर रहे थे तो भी हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि धूप है ये चाव है, ये ऐसा कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। ना ही हमारे बच्चों को, इतने लोगों को, किसी को नहीं, कोई तकलीफ नहीं। और इतना अच्छा लगा अभंग कि बापू को देख के ऐसा लग रहा था कि बापू को हम लोग हमारे सामने आँखों के सामने देखते ही रहे, कि पूरा दिन देखते रहे। वही याद आता है, वही गॉगल डाल के जो बापू बैठे थे, वो वही हर टाइम हम लोग को हंस मेरे सामने वही दिखता है, हर टाइम हर पल भी वही दिखता है। अभी इधर आते हो तो अभी मुझे वही लगता है कि वो उधर गॉगल डाल के बैठे हैं, ऐसा ऐसा लग रहे थे मुझे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे ने, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे ने, वो मैं कह ही नहीं सकते, उसका कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास, कोई उसका यही नहीं है कि अभंग हो। माय गॉड, मैं तो कभी सुना नहीं, थोड़ा बहुत सुना है उसमें से, थोड़ा अभंग जो इधर हुआ है वही सुना है, लेकिन जो जितना मैंने सुना है हिंदी अभंग भी एकदम एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम मीन्स वो सुपर उसका। अभी मुझे वाक्य तो आता नहीं है, लेकिन वो हिंदी अभंग इतना अच्छा गया है वो, उसका बारे में। कौन सा अभंग आपको अच्छा लगा? मुझे अनिरुद्ध नामावर प्रेम असे करो तेरे सुकले पान जरी तुरे मिलो तेरे। थोड़ा बहुत रॉन्ग हो गया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है वो अनिरुद्ध, वो जो फाल्गुनी पर्व अटकने की जो गाया, मुझे बहुत अच्छा लगा।